वेलकम बैक गाइस। सो आज काफी सारे बंदों के एक ही प्रॉब्लम हो रही है, उनका एम है वो रेड नहीं हो रहा। देख सकते हो यहाँ पर मैं स्कोप खोल रहा हूँ तो भी निशाना नहीं लग रहा, मेरे को अलग से निशाना लगाना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। अब दोस्तों आपके भी ये प्रॉब्लम हो रही हो, नए प्लेयर हो, उनका नया फ्री फायर की सेटिंग रहती है तो उनके तो ये प्रॉब्लम डेफिनेटली रहती है। तो गाइस इस वीडियो में आपको बताऊंगा ये एक ऐसी सेटिंग जिससे आपका निशाना इस प्रकार से एकदम ऑटोमेटिकली लगने वाला है। देख सकते हो कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ रही और स्कोप खोलने पर तो भाई ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, क्योंकि मैं आपको बहुत ज्यादा अच्छी अच्छी चीजें सिखाता हूं और आपको प्रो बनाने में आपकी मदद करता हूं। सो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो गाइस सबसे पहले तो आपको दो कॉमन प्रॉब्लम बता देता हूं। सबसे पहले तो ये वाली प्रॉब्लम है, एम रेड नहीं होता, दूर के बंदों पर भी निशाना नहीं लगता और स्कोप खोल के आपको इस प्रकार से लगाना पड़ता है, भाई बहुत ज्यादा मेहनत लगती है और बंदा मरता भी नहीं। ठीक है दोस्तों, आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो कमेंट में यस लिखना, ठीक है। सेकंड प्रॉब्लम बताऊं तो ऐसे निशाना लग जाता है, देख सकते हो आराम से निशाना लग रहा है बट स्कोप खोलने के बाद में आपको निशाना नहीं लग रहा है, निशाना लगाना पड़ता, बहुत मेहनत लगती है इसमें भी। ठीक है दोस्तों, और इसको ऐसा करना है जैसे कि स्कोप खोलने पर भी आराम से निशाना लग जाए। देख सकते हो काफी ज्यादा इजी तरीके से स्कोप खोलने पर निशाना लग जाता है। तो गाइस बता दो तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा। गाइस अपनी फ्री फायर की सेटिंग पर आपको क्लिक कर देना, यहाँ पर ऊपर की साइड में आपको तीन ऑप्शन देखने मिलते रहते हैं, ये वाला ठीक है जिसमें एम लिखा हुआ है। तो गाइस सबसे पहले तो ये रहता है फुल कंट्रोल। अब दोस्तों फुल कंट्रोल में क्या रहता है, आपका एम है वो रेड नहीं होता और आपको मेहनत करके खुद निशाना लगाना पड़ता है और स्कोप खोलने पर भी आपका एम रेड नहीं होगा, आपको खुद निशाना लगाना पड़ेगा, बहुत मेहनत लगती है इसके अंदर। अब दोस्तों सेकंड ऑप्शन बता दो तो आपको ये मिलता है प्रीसाइज ऑन स्कोप। अब दोस्तों इसका मतलब है स्कोप खोलने पर ये निशाना नहीं लगाएगा, बहुत मेहनत लग जाती है इसमें भी। ऐसे तो निशाना लगा लेगा, देख सकते हो इतनी दूर है, यहाँ पर जैसे मैंने फायरिंग की निशाना इजी तरीके से लग गया बट यहाँ पर जैसे मैंने स्कोप खोला निशाना लगना बंद हो जाता है। अब दोस्तों ये सेटिंग आपको प्रॉब्लम कर रही होगी, आपको करना क्या है, सेटिंग में जाना है, आपको सिंपली यहाँ पर डिफॉल्ट लिखा हुआ है इस पर आपको क्लिक कर देना है। डिफॉल्ट पर जैसे आप क्लिक करोगे आपकी बेस्ट सेटिंग अभी हो चुकी है, देख सकते हो ऑटोमेटिकली निशाना लगेगा, ड्रैग करोगे तो भी आपका हेड पर एम जरूर जाने वाला है, एनिमी आपसे बच नहीं पाएगा। इसके अलावा स्कोप खोल लगे तो भी ये ऑटोमेटिकली निशाना लगा लगा, देख सकते हो मैं अभी इधर हूँ, स्कोप खोला निशाना लग गया। तो गाइस इस प्रकार से आपको करना है, आपको बस प्रीसेट में जाकर डिफॉल्ट पर क्लिक कर देना, बस आपकी सेटिंग हो गई है। इसके अलावा आपको भी ये प्रॉब्लम थी तो कमेंट में यस लिखना, देखते कितने बंदों को ये प्रॉब्लम थी। और हाँ इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करना ताकि वो भी इस सेटिंग को ठीक कर सके। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।